इस इश्क ने हर मत मारी, इस इश्क के आगे दुनिया भी हारी। चले सुहानी, सिर्फ तुम सिर्फ तुम सिर्फ चले बेटा, सिर्फ तुम सिर्फ तुम सिर्फ तुम सिर्फ तुम सिर्फ तुम कपूर कपूर, ये तो होना ही था कपूर, इसे कोई नहीं रोक सकता था। जो आदमी पैरों पर मारने वाली कुल्हाड़ी को खुद अपने हाथों से बनाए, उसे मनाना बड़ा आसान होता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। पता वो मंडप तक क्यों नहीं पहुंचा? क्योंकि मेरे तकदीर में उसका हाथ पकड़कर तुम्हारी बेटी की शादी के मंडप में लाना लिखा है। अब रणवीर और रिया की शादी कोई नहीं रोक सकता कपूर। Nobody on this earth can stop it. कौन है? कौन है? कौन है? रणवीर, क्या बदतमीजी है? Have you gone mad? सवाल पूछने की हैसियत नहीं है इस वक्त आपकी। जो भी मैं पूछूंगा उसका मुझे साफ साफ जवाब चाहिए। मिस्टर विक्रांत बरोए, क्या आशा जी के साथ आपके नाजायज संबंध थे? और क्या आप अंश के नाजायज बाप हैं? अंश आशा का बेटा है? क्या बकवास कर रहे हो तुम? लोगों की बातों में आके यहां कुछ भी करोगे तुम? मुझ पे इल्जाम लगाने से पहले यह मत भूलो कि मैं तुम्हारा बाप। क्या कर रहे तुम? गन हटाओ, गन हटाओ रणवीर, गन हटाओ। आखिरी बार पूछ रहा हूं मिस्टर विक्रांत ओबेरॉय, क्या अंश आपकी नाजायज औलाद है? हाँ या ना? ना। मुझे पता था मिस्टर विक्रांत ओबेरॉय कि आपका यही जवाब होगा, इसलिए मैं तैयारी के साथ आया। टेस्ट, आपका कैरेक्टर टेस्ट। जुबान झूठ बोल सकती है, दिमाग झूठ बोल सकता है, दिल झूठ बोल सकता है, लेकिन ये स्वभाव झूठ नहीं बोलेगा। हाँ हाँ हाँ, गो अहेड। मिस्टर विक्रांत ओबेरॉय, आपको पता है आपको इसके साथ क्या करना है? थैंक यू सो मच मिस्टर विक्रांत ओबेरॉय, आपको आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट की कॉपी पहुंच जाएगी। आई लव यू टू।
रुको बहू, मैं गृह प्रवेश के लिए अंदर से आरती का थाल और चावल का कलश लेकर आती हूँ। रुक जाइए माँ, गृह प्रवेश के लिए चावल और आरती के थाल की जरूरत नहीं है। इसका गृह प्रवेश इस अग्निकुंड से होगा। तो क्या करना चाहता है अंश? शुद्धिकरण। इस हवन कुंड की अग्नि से दुल्हन का शुद्धिकरण। शुद्धिकरण? भाई ये क्या बोल रहा है तू? वो तो आग के पास चलकर ही देखना पड़ेगा। ये सब क्या है अंश? सुहानी किसी के घर की बेटी है और अब वो इस घर की बहू है। नए रिश्ते बनाने के लिए पुराने रिश्तों को जलाना पड़ता है माँ। बस वही कर रहा हूं। मेरी दुल्हन के लिए मैं एक गिफ्ट लाया।
मेरी दुल्हन को लेने कैसे लगे? बहुत अच्छे। अंश तो पागल हो गया क्या? ये एक सुहागन का श्रृंगार है। ये सुहागन के गहने मुझे चैन से सोने नहीं देंगे मां। बदबू आती है इनमें से रणवीर की, इसलिए इनका इस आग में जल जाना ही ठीक है। ये शादी का जोड़ा भी तुमने रणवीर के नाम का पहना है ना सुहानी? मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगी। सुहानी अब इस घर की इज्जत है। भाई मुझे लगता है आंटी सही कह रही है यार, तू छोड़ना क्या कर रहा है ये पागलपन। ऐसी कोई भी चीज जिसमें रणवीर का नाम लिखा है ना, वो मैं तुमसे दूर कर दूंगा। ये कपड़े, ये गहने, ये लाल जोड़ा, ये सब कुछ उसी का दिया हुआ है ना तुम्हें। मैं तुम्हारे पास से ही नहीं बल्कि तुम्हारे दिल से, तुम्हारे दिमाग से उसका नाम हमेशा के लिए मिटा दूंगा। आज मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना। अभी तो ये शुरुआत है, मैं एक एक करके तुझसे वो हर चीज छीन लूंगा जो तुझे प्यारी है। आज कैसे लगाया तूने सुहानी को? पत्नी है वो मेरी, धोखे से बनाई हुई पत्नी। ये शादी तूने धोखे से की है, मैं इसे शादी नहीं मानता। रणवीर, तो
मैं तो चाहती है कि तेरे पापा बाकी की जिंदगी चैन से गुजार सके, तो इस रिश्ते के लिए हाँ कर दे बेटा। तुझे मेरी सौगंध है बेटा। तुम इस शादी को मानो या ना मानो, पर मैं और मेरा परिवार इस शादी को मानते हैं। और मेरी इस हालत का जिम्मेदार अंश नहीं बल्कि तुम हो। तुम्हारा गुस्सा है, तुम्हारा वो गुस्सा जिसकी वजह से तुम शादी में नहीं आए, वो गुस्सा जिसकी वजह तक नहीं बता पाए तुम, वो गुस्सा जिसने हमेशा हमेशा के लिए हमें एक दूसरे से छीन लिया। तब क्यों आए हो तुम? चले जाओ यहां से रणवीर। हाँ तो हम कहां पर थे? ये मंगल सूत्र निकाल कर इस आग में फेंको सुहानी। नहीं सुहानी, नहीं। भले ही ये मंगल सूत्र मैंने तुम्हें नहीं पहनाया, लेकिन इसे लेकर मैं आया था और ये हमारे प्यार की निशानी है। इसे आग में मत फेंकना। इसीलिए तो कह रहा हूं, इस मंगल सूत्र को उसके सामने अभी के अभी आग में फेंको सुहानी। नहीं सुहानी, हाँ सुहानी, नहीं।